Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP on 8th of January, because in this video, I'm going to discuss about the D-Day paper and strategy. Guys, this video is going to be extremely important because content padna important hai, aap padhai kar rahe ho, but agar aapko paper lene ka idea nahi hai, tarika nahi pata, to aapko issue aayega, because kaafi baar aisa hota hai ki in spite of knowing everything, aap paper ko strategically attempt nahi karte ho, usse aapke aadhe question mein se aate hain. Aur dusri achhi baat kya hai guys, yahan pe ki आपका 19 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों ने जो मिस्टेक्स करी हैं, कैसे उन्होंने गलतियां की, क्यों पेपर उनका अटेम्प्ट नहीं हो पाया सही से, वो सब डिस्कस होने वाले, जिससे आपको आप ये गलतियां मत करो. जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पर आएगा काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. तो गाइस एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, उनका स्नैप का टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. ठीक है, तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका. अब बात करते हैं मेन एंड पॉइंट्स पे. तो गाइस पहली चीज क्या है कि आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहना है. गाइस ऐसा हो सकता है आप सोचे हो कि 19 दिसंबर को कॉन्स्ट बहुत टफ था, एलआर बहुत इजी था, वीए नॉर्मल था, बट अब आपका 8th जनवरी को ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्स इजी आ जाए, जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट लॉट में आई थी, हो सकता है बहुत ही इजी आ जाए कॉन्ट्स. एलआर थोड़ा ट्रिकी करते हैं जो कि हमेशा से करते आ रहे हैं, और वीएआरसी को मॉडरेट रखें. तो गाइस आप ये नहीं सोच सकते जो 19 दिसंबर को एक्जैक्टली वही होगा, बट ये मैं मान सकता हूँ कि 19 दिसंबर के बराबर है, 19 दिसंबर से ऊपर पेपर आना चाहिए. 19 दिसंबर से इजी पेपर आना तो थोड़ा हाईली लाइकली लगता है बिकॉज यहाँ पे नॉमिनेशन भी नहीं है इसलिए. ठीक है, तो अपने आपको ये मत सोच के रखो कि आपका जो इसी तरह 19 दिसंबर टाइप का ही पेपर आएगा, मतलब सेक्शन में वेरिएशन हो सकता है. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, आपने जो टॉपिक्स नहीं पढ़े जिस टॉपिक में वीक हो, एटलीस्ट उसके बेसिक फॉर्मुलेस करके जाओ. जैसे हमें ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, आपको टफ लगता है, पॉलीगन्स कर लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं पॉलीगन में, ये सब कर लो, कुछ तो आए. क्योंकि वही बात हो जाएगी, जो आप पढ़ेगा उससे बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, जो नहीं पढ़ेगा उससे इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, जो लास्ट टाइम हो चुका है. ठीक है, बायनोमियल वगैरह क्वेश्चन आ गए थे, इजी थे, बढ़ाते नहीं थे लोगों को. वर्स्ट केस सिनेरियो में रेडी रहो, अभी एक दिन बचा, एक दिन में आप इस टाइम पे तो मेरे ख्याल से वोकैब रिवाइज करनी चाहिए. वोकैब वीडियोस वगैरह हम लोगों की प्ले लिस्ट है, 13 वीडियोज है प्ले लिस्ट में हम लोगों की, वर्बल एबिलिटी प्ले लिस्ट, यूट्यूब में जाओ चैनल में, वो सारे के सारे वीडियो देख डालो. गाइस अब दूसरी चीज क्या है कि आपको मैंने कई बार लास्ट में बोला था, लास्ट उसमें बोला था कि आपको 40 सेकंड से ज्यादा नहीं देना किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आपको जितना इजी क्वेश्चन हो, जितने बार आपने किया हो. कभी कभार ऐसा होता है कि हम 5-6 बार क्वेश्चन कर चुके होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, बट तब भी वहां पे आंसर नहीं निकल रहा होता है, तो आपको 40 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है. क्योंकि गाइस आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं आ रहा है आंसर, छोड़ो मार फॉर रिव्यू कर दो आगे जाओ. इतना बताने के बाद भी लोगों ने 3-3, 4-4 मिनट दिए जिससे उनका टाइम बर्बाद हो गया काफी. और गाइस 1-1 मिनट बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, स्पीड बेस्ड एग्जाम है काफी. तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ गाइस आपको किसी भी हाल में ऐसा मत करना. और फिर बोल रहा हूँ गाइस आरसी डीआई अगर आता है, मान लो आरसी आता है या पजल आता है या डीआई आता है, उसको आप बिल्कुल एंड में रखोगे जब आप जितने एक्सपर्ट हो. एक बार सब कुछ देख लो, उसके बाद आराम से करो, कोई रुकेगा नहीं. ठीक है, बट स्टार्टिंग बिल्कुल मत करना गाइस. धोखे से भी अगर आपने गलत केस बना लिए तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, आपका वो टाइम भी गया है, फिर आप नर्वस हो जाओगे. ठीक है, तो मत करना. गाइस यहाँ पे एक नई चीज पता चली है, लास्ट टाइम क्या हुआ था 19 दिसंबर को, काफी क्वेश्चंस का आंसर नन ऑफ दीज था. तो जनरली एग्जामिनर की स्ट्रेटजी क्या होती है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें तो एक्चुअल आंसर देता है वो, जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो आंसर निकल आते हैं आराम से, उसका आंसर वो कर देगा नन ऑफ दीज. मतलब ये इजी क्वेश्चन को टफ बनाने की टेक्निक है कि क्वेश्चन हम इजी देंगे बट एक्चुअल आंसर ही नहीं देंगे, हम नन ऑफ दीज देंगे. तो आप जब भी आपको नन ऑफ दीज आएगा आप सोचो कि मेरा कुछ गलत हो रहा है कि नन ऑफ दीज कैसे आ रहा है. बट 2-3 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे, लास्ट टाइम थे सॉरी 19 दिसंबर को, जिसका आंसर नन ऑफ दीज था और बच्चों ने फिर से पूरा चेक किया, टाइम वेस्ट हुआ. देखो एक बार तो चेक करोगे आप, डाउट किसी को भी हो सकता है कि नन ऑफ दीज क्यों आ रहा है, बट बहुत टाइम बर्बाद नहीं करना उसमें. जैसे कुछ चीजें होती है ना जो आनी ही आनी है, वो पता है कि आपने कई बार लगाया क्वेश्चन तो आपका सही आंसर आ रहा है. जैसे लॉगरिथम्स का जो क्वेश्चन आया था वो ईजी था, उसका आंसर आ रहा था सही. ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में 7/2 नहीं था, 19 दिसंबर 7/3 था. तो काफी लोग चेक करने लगे यार मेरा 7/3 तो नहीं है. ठीक है, तो गाइस अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो नन ऑफ दिस आंसर, तो मार करके आगे जाओ, टाइम बर्बाद मत करो उसमें. ठीक है, तो ये आपका बहुत टाइम ईटर है. देन गाइस कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन रॉन्ग मिलते हैं एक्चुअल एग्जाम में. मुझे समझ नहीं आता क्यों होता है ऐसा, एक मॉक बनाना है इनको, एक सेट ऑफ 60 क्वेश्चन बनाना है इनको. ठीक है, उसमें भी इतने क्वेश्चन ही लोग गलत कर देते हैं, मतलब पता नहीं समझ नहीं आता जो भी है. तो गाइस इन शॉर्ट ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई जैसे बॉल वाला क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, वो हर बंदा करके आएगा. ठीक है, उसका आंसर 2700 आ रहा था बट काफी लोग नहीं कर पाए, काफी लोग टाइम बर्बाद किए बिकॉज ऑप्शन में था, तो वो क्वेश्चन गलत था, वो एक बंदे ने तो 3-4 मिनट लगा दिए. तो आपको ऐसा नहीं करना है गाइस, अगर आप डैम श्योर हो किसी चीज में कि आपका आंसर यही आएगा, कुछ टाइपो है. जनरली ऐसा हम करता है कि हम ही गलत है, हम लोग सोच नहीं पाते कि एग्जाम में गलत दिया होगा, और जनरली ऐसा होता भी कम है.
तो अगर आप डैम शेयर हो तो ज्यादा वेस्ट मत टाइम भाई वेस्ट मत करो, बिकॉज लोगों ने 4-6 मिनट लगा दिया उस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आपका मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमने बताया भी है कई बार यूट्यूब में भी क्लास में भी, 10 सेकंड या 5 सेकंड में ही निकल आएगा आंसर आपका, ठीक है। बट लोगों ने 4 मिनट लगाया उस क्वेश्चन में, तो वही क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपका मैच ना करे, एक दो बार देखो आगे निकल लो वरना, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन इजी क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूँ गाइस, किसी भी हाल में इजी क्वेश्चन मत छोड़ना। इन केस क्वांट स्टफ आती है तो क्वांट से स्टिल, अब लास्ट टाइम में भी कौन स्टफ थी 20 में से, बट 20 में से 11 क्वेश्चन डुएबल थे, बट वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। अगर आपने वैरायटी नहीं करी तो नहीं कर पाते वो भी, ठीक है, तो वैरायटी करनी पड़ेगी। तो गाइस अभी यही बोलोगा, जितना टाइम रह गया है आप जितना आपने जो टॉपिक्स नहीं देखे हैं उनके एटलीस्ट फॉर्मुले रख लो, ठीक है, एंड वोकैबुलरी ईडियम्स वगैरह सब कर लो अच्छे से, ठीक है, करो गाइस अच्छे से बढ़िया करके, और अच्छे से करोगे बेस्ट दो अपना निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि सेकंड स्लॉट तो नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने में लोगों को हुआ भी, लास्ट ईयर भी लोगों ने सेकंड स्लॉट नहीं दिया, लोग एसआईबीएम पुणे एससी में चार्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोई बहुत टफ पेपर नहीं आ जाएगा, बिकॉज रीजन क्या है, फर्स्ट स्लॉट ऑलरेडी टफ आ गया है, इससे टफ आएगा तो इसी कैट बन जाएगा वो, ठीक है। या तो इसी बराबर आएगा या तो सेक्शन में वेरिएशन करेंगे वो, ठीक है। बाकी अपने मॉक्स वगैरह ढंग से दिए तो ठीक है, आप परसों एग्जाम है तो आप मॉक्स मत देना आज, मैं बोलूंगा आज अगर मॉक मत दो, खाली रिविजन करो, ठीक है, बढ़िया करके। और गाइस सेंटर में टाइमली पहुंच जाना, मेरे 10 बजे से पेपर है इस बार, ठीक है, देख लेना एडमिट कार्ड वगैरह, सेंटर पहले से लोकेट कर लो सेंटर वगैरह कहाँ पे क्या है, जल्दी सोना जल्दी उठना, क्योंकि तो आप अगर लेट होगा तो आप पैनिक कर जाओगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, हम ऐसा हो चुका है लोगों के साथ कि लोग अपने एग्जैक्ट टाइम पे स्टिल वो आधा घंटा लेट पहुंचे हैं, ठीक है, तो काफी इशू जाता है, तो उसको मेक श्योर करना, ठीक है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग 16 दिसंबर को 16 जनवरी को दे रहे हैं उन लोगों के लिए है बेसिकली कि आप लोगों अगर मॉक्स देने हैं, अभी भी गाइस टाइम है, 16 वालों के लिए 10 दिन है, आप एक दिन दो मॉक दोगे 15 मार्क हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट एंड रेलिवेंट मॉक्स हैं, ठीक है। डेली काफी लोग ले रहे हैं, काफी अच्छा आपको परसेंटेज ही मिलेगा, 719 के 15 मॉक हैं, आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा, अब टाइम है मॉक देने का। एक दिन में 2 मॉक आराम से दिए जा सकते हैं, लोग 3 मॉक भी दे रहे हैं, बट 3 मॉक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज एनालाइज भी करना जरूरी है। सो एक मॉक दो, एक मॉक शाम को दो, आराम से 15 मॉक दे दोगे। अगर 15 मॉक ज्यादा लग रहा है आपको, यू कैन ऑल्सो गो फॉर 10 मॉक्स बैक, ठीक है, 599 के, तो यू कैन चेक आउट द बैक, काफी रेलेवेंट एंड क्लोजेस्ट मॉक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज आर लुकिंग फॉर कोर्सेज लाइक सीमैट, सीमैट एसआरसीसी जीबीओ टेस्ट पीजी डीबीएस सीईटी के कोर्स अगर देखना है आपको, तो यू कैन चेक आउट दैट एज वेल, आपका स्नैप में भी हेल्प हो जाएगा उससे, बिकॉज हम लोग स्नैप का क्रैश कोर्स का एक्सेस भी देंगे आप लोगों को, ठीक है, देख सकते हो आप उसको। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर मेरा, यू कैन पिंग इन केस यू वांट टू नो अबाउट द डेमो वीडियोस एंड ऑल फॉर अदर कोर्सेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हम लोग कैट का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, मिड फेब में हम लोग का टारगेट है, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। हम लोग का दो प्लान होंगे, कैट कोर्स एक कंप्लीट एमबीए कोर्स, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और स्ट्रक्चर्ड प्लान हम लोगों के अगर नेक्स्ट ईयर के लिए, जो अगले साल मार्च तक वैलिड रहेंगे सब। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।